दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी फेसबुक के माध्यम से अर्निंग करना चाहते हैं और इसी वजह से आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिससे कि आप उस पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड को एनेबल करके उससे अर्निंग कर सकें, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आपको इसी के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ कि किस तरह से अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर अपने डैशबोर्ड को यानी कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड को एनेबल कर सकते हैं और उसे पेज में कन्वर्ट करके और किस तरह से वहां से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आज के वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आपको बेल आइकन पर प्रेस करना और यहाँ पर ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आपको बेल आइकन पर प्रेस करना और यहाँ पर ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में कुछ जानकारी दे देता हूं। तो पहले क्या होता था दोस्तों कि अगर आपको फेसबुक से अर्निंग करनी होती थी तो अपनी आईडी में आपको एक नया पेज क्रिएट करना होता था और उस पर फॉलोवर्स इंक्रीज करके उसके बाद में क्राइटेरिया को कम्प्लीट करके वहां से अपने पेज को मोनिटाइज करके उससे अर्निंग करनी होती थी। लेकिन अभी फेसबुक ने एक नया अपडेट यहाँ पे ला दिया है। इस अपडेट के आने के बाद अब आपको फेसबुक पर कोई पेज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी आईडी पर आपके काफी अच्छे फ्रेंड है, 4-5 हज़ार फ्रेंड है, तो आप अपनी आईडी को एज ए पेज यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फेसबुक ने पहले एक टूल भी लॉन्च किया था जिसमें कि आप अपनी प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट कर पाते थे जिससे कि आपके जितने भी फ्रेंड होते थे वो पेज में कन्वर्ट होकर वहां पर फॉलोवर्स में कन्वर्ट हो जाते थे। लेकिन अब आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर ही प्रोफेशनल डैशबोर्ड को एनेबल कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को एक पेज की तरह कन्वर्ट करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों। सबसे पहले आपको अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और फेसबुक को ओपन करने के बाद ऊपर की साइड आपका 3 डॉट या प्रोफाइल पिक्चर जो भी आपको देखने को मिलता है राइट हैंड साइड में आपको इस पर टैप करना है। अब इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको इसकी पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। तो ऊपर आपका जो प्रोफाइल नेम होता है अगेन आपको इस प्रोफाइल नेम पर टैप करना है। तो आप आ जाएंगे अपनी टाइमलाइन पे। अब टाइमलाइन पे आने के बाद यहाँ पर फिलहाल आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। तो आपको करना क्या दोस्तों कि यहाँ पर आपको एड टू स्टोरी के बगल में आपको जो 3 डॉट का ऑप्शन मिल रहा है आपको सिंपली 3 डॉट पे जाना है। अब 3 डॉट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल की पूरी सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो अपनी फेसबुक प्रोफाइल को एक पेज की तरह यूज करने के लिए यानी कि उसमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड को एनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग को करना होता है। तो पहली सेटिंग तो आपको करना है कि सेकेंड नंबर पर आपको जो फॉलो सेटिंग का ऑप्शन है इसमें जाना है और इसमें जाने के बाद यहाँ पर जितनी भी सेटिंग है इन सभी को आपको यहाँ पे इस तरह से पब्लिक पे सेट कर देना है। यानी कि फर्स्ट काम आपको ये करना है कि आपको अपनी पूरी फॉलो सेटिंग को यहाँ पर पब्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे सेकंड काम ये करना है दोस्तों कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रोफाइल लॉक का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो अगर आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल को लॉक किया हुआ तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे अनलॉक कर लेना है। ये दोनों काम कर लेने के बाद ही आप इसको पेज की तरह कन्वर्ट कर पाएंगे और इसमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड को एनेबल करके उससे अर्निंग कर पाएंगे। ये दोनों काम कर लेने के बाद अब आपको करना क्या दोस्तों की जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है व्यू एज, इस पर जाते हैं तो अभी आपकी आईडी इस तरीके आपको देखने को मिलती है। कोई विजिटर आपके प्रोफाइल पे आता है और यहाँ पर उसको फ्रेंड देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके 5000 फ्रेंड है तो जैसे ही आप इसमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड को एनेबल करेंगे आपके फ्रेंड आपको 5000 फॉलोवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि आपको बिल्कुल फ्री में 5000 फॉलोवर्स मिल जाएंगे और उसके बाद जो कुछ क्राइटेरिया वहां पर बचता है भी कंप्लीट करके आप यहाँ पे मोनिटाइज कर पाएंगे। तो चलिए इस व्यू को मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। तो अब आपको करना क्या है, किस तरह से आपको अपनी प्रोफाइल को पेज की तरह यूज करना है यानी कि उसमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड को एनेबल करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आप बॉटम पे आएंगे, आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड, आपको इस पे टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे टर्न ऑन का ऑप्शन मिलेगा, अगेन आपको इस पे टैप करना है। जैसे आप इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और 2 से 5 सेकंड आपको वेट करना है। और लीजिए दोस्तों आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ पे एनेबल हो चुका है। इसमें आपको कुछ ऑप्शन आएंगे जब आप फर्स्ट बार इसको करेंगे, जैसे कि आपको अपना बायो ऐड करना होगा, बैकग्राउंड फोटो वगैरह ऐड करना होगा, तो वो आप इजीली कर लेंगे। उसके बाद आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी आपको देखने को कहाँ मिलेगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से फिर से बैक ले लेता हूँ, लेने के बाद जैसे कि आप अपनी टाइमलाइन पे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड ही दोस्तों, इसको ओपन करेंगे
तो आप उसी ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड फॉलोवर 99, तो मेरी एक डेमो आईडी इसमें 99 फ्रेंड है, तो यहाँ पर वो डायरेक्ट फॉलोवर में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर आपकी फेसबुक आईडी पर 5000 भी फ्रेंड है तो वो आपके यहाँ पे फॉलोवर्स बन जाएंगे, यानी कि आपको फॉलोवर्स इंक्रीज करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके फ्रेंड्स को ही आप यहाँ पे फॉलोवर में कन्वर्ट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो रील्स वगैरह वीडियो वगैरह डालेंगे, जो भी कंटेंट डालेंगे, उसके रीच वगैरह, एंगेजमेंट वगैरह, नेट फॉलोवर्स वगैरह सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब इसके बाद में मोनेटाइज क्या फीचर आपको कम मिलेगा, तो मोनेटाइज के लिए आपको थोड़ा नीचे आना है, तो यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आप किस किस मोनेटाइजेशन के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेट स्टार्ट ऑन रील्स, यानी कि क्रिएट रील का ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है, तो इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। इस तरह से इसी तरह से आप जब वर्क करते रहेंगे तो स्टार मोनेटाइजेशन के लिए आप इनेबल हो जाएंगे, यानी कि एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आपको बोनस भी मिल सकता है, सब्सक्रिप्शन वगैरह के लिए भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो इन चारों मोनेटाइज के थ्रू यहाँ पे आप अर्निंग कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप भी फेसबुक के माध्यम से अर्निंग करना चाहते हैं और इसीलिए आप अपनी फेसबुक आईडी को फेसबुक पेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।